वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आप लोगों को पता है कि मैं शिमला में हूँ, तो हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं चर्च के सामने से। तो अभी हम लोग लिफ्ट में गाड़ी लगा के, गाड़ी पार्क करके वॉकिंग जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये यहाँ की बहुत पुरानी आइसक्रीम शॉप है और सीरियसली यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं, उनकी फेवरेट प्लेस है। तो गाइस इतनी भीड़ है कि लोगों को इधर उधर चलने की जगह भी नहीं है, मतलब कोई इधर से जा रहा है कोई इधर से आ रहा है, और भीड़ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। तो ये है यहाँ का बहुत पुराना गेटी थिएटर। यहाँ पे बहुत सारे थिएटर शोज़ भी हुए हैं, बहुत सारे फंक्शंस भी हुए हैं, और आज भी यहाँ पर एक फंक्शन है। यहाँ पे आर्यन भाई के डैड ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवाया है और हम लोग अब उनसे मिलने जा रहे हैं। आई होप वो जल्दी मिल जाए हमें। लेट्स गो। हेलो गाइज, तो गेटी थिएटर में हम लोग आए हैं और ये आर्यन भाई के डैड हैं। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, कैसे होंगे? तो आप लोग, आपने क्या आयोजन करवाया आज गेटी थिएटर में? ये हमारी संस्था है हिमालय साहित्य संस्कृति और पर्यावरण मंच। हम हर साल बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन उसी कड़ी में एक अनूठा कार्यक्रम है साहित्य से हटके। ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग का कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें एक बहुत बड़े प्रदेश में ही नहीं देश में प्रतिष्ठित लोक गायक हैं डॉक्टर कृष्णनाथ सहगल जी, उतने 75 वर्ष के हैं। उनको हमने आज हिमालय संगीत शिरोमणि सम्मान से भी सम्मानित किया और उन्हीं के लिखित और उन्हीं के गाए लोकगीतों की बहुत सी प्रस्तुति आज हो रही है। और सबसे विशेष बात यह है कि उनके साथ उनके 20 शिष्य प्रदेश भर से आए हुए हैं, जो अलग अलग कॉलेजों में हैं और गांवों में रहते हैं, और उनकी प्रस्तुति आप देखेंगे। तो एक तरह से हमने ये क्रिसमस पे लोगों को ये बताने का प्रयास भी किया है कि एक हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा हिमाचल प्रदेश की कितनी रिच है, और हमारी जो म्यूजिक धरोहर है, जो हमारा संगीत की धरोहर है, वो बहुत बड़ी धरोहर है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जो ट्रेडिशनल फोक है, वो थोड़ा सा विकृत सा हो रहा है, लेकिन ये जो प्रस्तुतियां हैं हमारी आज, ये प्रस्तुतियां पारंपरिक लोक संगीत पे हैं, तो जिसमें नाटियां हैं, झूरी हैं, लामण है, और एक कोलाज है पूरे हिमाचल प्रदेश का, ये जो आप इस मंच पे आज देखेंगे और सुनेंगे, जिसमें हम पूरा हमारा जो कल्चर है, हिमाचली कल्चर है, फोक म्यूजिक है, वो सब प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे भी बहुत अच्छा, और मैं वीडियो बाइट्स डालता हूँ अभी अंदर की, जो अंदर परफॉर्मेंसेज हो रही है। तो चलो चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
तो ये है मॉल रोड का स्कैंडल पॉइंट। प्रदेश के अनेक युवा अपने परिवारों की विषम आर्थिक हालत के कारण असमय ही अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते और उन्हें स्कूल या कॉलेज। तो जो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारे कल्चर में इन्हें सभी के अलग अलग जिलों के देवता जी होते हैं, तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर जिले से दो दो लोग आए हैं और अपने अपने जो अपने ज़िले को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की लोकल डिशेज जो हैं वो सब ट्राई करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, वो सब उनको रिव्यू देंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियोज़ में कि क्या क्या बन रहा है। थैंक यू पंकज जी। चलो तो ये है शिमला का कॉर्नर और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मिल रहा है। इसे कहते हैं सिड्डू। तो गाइज अगर हिमाचल और पहाड़ी सिड्डू नहीं खाया तो क्या ही खाया। गाइज बादल देख रहे हो कैसे, तो अंदर बहुत भीड़ थी। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं खा सकते थे क्योंकि मैं तो फुल हूँ, इसने भी कुछ नहीं खाया। तूने खाया भाई कुछ? तो भीड़ इतनी थी कि कुछ खा नहीं सकते। वैसे मैंने तो घर पे खाया था अच्छे से, तो मुझे भूख नहीं है, बट इतना सारा टेस्टी खाना देख के भूख तो लगी जाती है। पर चलो अभी हम लोग चर्च की तरफ चलते हैं। चर्च के पास बहुत भीड़ है, मुझे लगता है ये सारी भीड़ टूरिस्ट की होगी, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भीड़ में जाने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली वाओ, कितना ब्यूटीफुल तरीके से सब डेकोरेट किया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए और क्यू देखो बहुत बड़ी है, ये आप देख सकते हो साइड में क्यू जा रही है। हम लोग यहां पर थोड़ी देर बैठेंगे अभी और उसके बाद बाहर जाएंगे। तो गाइज यहाँ की बेस्ट चीज़ पता क्या लगी मुझे, कि यहाँ पर सब लोग ना मिलजुल के एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक साथ मिलके उनके
फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर एक सिख सरदार जी हैं जो वहाँ पर खड़े हैं, और ऐसे ही यहाँ पर सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग एक दूसरे के साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस एक बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिला। तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट शिमला आए हैं घूमने, ये देखिए। और गाइस सब मिलजुल कर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर इतने सारे लोग मिलकर ऐसे एंजॉय करते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, सच में बहुत ही सुंदर लगता है। तो गाइस हम लोग रात होने का इंतज़ार कर रहे थे, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैंने ब्यूटीफुल शॉट्स लिए हैं जिसकी मैंने रील अपलोड कर दी है। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक, स्नैप लिंक डाल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और गाइज इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और जो अभी शिमला की सीरीज़ में आने वाले व्लॉग्स हैं उनके लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा के रखिएगा। बाय बाय।